भी सरकारी बिल्डिंग्स जलाई गई हैं, इन्वेस्टिगेशन हो के इसके पीछे कौन था। मैं चाहता हूं कि जो बेचारे नौजवान, नहाते नौजवान जो एक हकीकी आजादी के लिए और जो उनका उनका हक है कि पुरमन एहतजाज करना, जो हमेशा हमने किया है, उनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। और जो पता नहीं कितने सौ लोग इस वक्त पड़े हुए हैं, गोलियां उन्हें लगी हुई हैं जो अस्पतालों में पड़े हैं, मैं सबके ऊपर इंक्वायरी चाहता हूं, लेकिन इनसे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, आप अपने नीचे कोई पैनल बनाए इंडिपेंडेंट। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि मुझे इंसाफ नहीं मिलने लगा क्योंकि मुझे पता था जिन्होंने मुझे गोलियां मारी हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो नहीं यहां इन्वेस्टिगेशन होने देंगे, ये आज भी नहीं होने देंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि इसमें बड़ी जो मुझे चीजें पता चली, आपको बड़ी बड़ी चीजें पता चलेगी इस कौम को कि कौन ये चाहता था कि इंतजार हो और किसने फायदा उठाया इसका। इसका फायदा उठा के जो ये बड़ी देर से चाह रहे थे, सारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाल दिया। अब तक 3,500 वर्कर हमारे पकड़ के जेल में डाल दिए, अभी भी पकड़ रहे हैं वर्कर्स, और सिर्फ मौके का फायदा उठाया इन्होंने। मैं अभी आपको बताऊंगा कि बाकी इन्होंने क्या किया है। इसको इसकी आड़ के अंदर के जी बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात है, उसने क्या क्या जुल्म किया है, उसको उठा के बहाना बना के इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वो जो ये पहले से ही चाहते थे, केसेस तो पहले ही हो रहे थे, पहले हमारे एक दफा इन्होंने 5,000 वर्कर पकड़ लिए थे।